भाई के कारनामे से धीरेंद्र शास्त्री को लगा बड़ा झटका। कैसे फेल हो गया बागेश्वर बाबा का पालतू भूत। इधर बाबा की पर्ची पर सवाल उठे, उधर फरमानी नाज ने बागेश्वर धाम पर रिलीज कर दिया वीडियो। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री इस वक्त मुश्किलों से गिर गए हैं। कहते हैं इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई एक कमजोरी जरूर होती है। जैसे कि रावण को मारना आसान नहीं था, लेकिन आखिरी वक्त में पता चला कि रावण की सिर्फ नाभि में वार करके ही उसे मारा जा सकता है। भारत और पूरी दुनिया में हिंदुत्व का झंडा गाड़ने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री के लिए अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका कट्टेबाज भाई शालिग्राम बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब बागेश्वर धाम का पालतू भूत भी अपना चमत्कार नहीं दिखा रहा। जब कई तरह के सवाल हर तरफ से उठ रहे हैं, ऐसे वक्त में अब मुस्लिम सिंगर फरमानी नाज ने बागेश्वर धाम के साथ खड़ी है और फरमानी नाज ने बागेश्वर धाम पर ऐसा वीडियो रिलीज कर दिया है जिसके आने के बाद कुछ हिंदू विरोधी ताकतें बिरबिला उठी हैं। कुछ दिन पहले दलित परिवार के घर की शादी में कट्टा लेकर पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम पर FIR दर्ज हुई है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें धीरेंद्र शास्त्री का भाई गालियां दे रहा है, सिगरेट पी रहा है और कट्टा लहराता हुआ दिख रहा है। इस पूरे मामले में धीरेंद्र शास्त्री ने खुद को अलग कर लिया और कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन इस घटना के बाद से पंडित धीरेंद्र शास्त्री ना तो अपने घर जा रहे हैं और ना ही अपने परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं। भाई के कारनामे का असर ही है कि दावा किया जा रहा है कि अब बागेश्वर धाम का पालतू भूत भी अपना करिश्मा नहीं दिखा रहा है। धीरेंद्र शास्त्री की शक्तियां भी कमजोर हो रही है। बागेश्वर धाम में ही दो लोगों की मौत के बाद से सवाल और तेजी से उठ रहा है। राजस्थान की रहने वाली एक बच्ची मिर्गी की मरीज थी, उसे बार बार दौरे आ रहे थे। 17 फरवरी को बच्ची की तबीयत बिगड़ी और परिवार के लोग बाबा के दरबार में पहुंचे। बाबा ने बच्ची को देखा और शुरू किया भभूत से बच्ची को ठीक करने का खेल, लेकिन कुछ ही देर बाद बच्ची की मौत हो गई। इसके एक दिन पहले 16 फरवरी को भी बागेश्वर धाम में ही एक महिला की मौत हुई थी। महिला किडनी की पेशेंट थी, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने के बजाय बाबा के दरबार में हाजिरी लगाती रही और फिर उसकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि क्या पारिवारिक क्लेश की वजह से पंडित धीरेंद्र शास्त्री की शक्तियां कमजोर हो रही हैं? सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट करके लिख रहे हैं कि अब बाबा का पालतू भूत काम नहीं कर रहा। लेकिन इन सबके बीच अब मुस्लिम सिंगर फरमानी नाज ने बागेश्वर धाम पर एक ऐसा वीडियो रिलीज कर दिया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस वीडियो में फरमानी नाज ने खुद गाना गाया है और ये वीडियो बागेश्वर धाम की महिमा और वहां के चमत्कार के बारे में है। इसके साथ ही बालाजी की कृपा और लोगों की आस्था को दिखाया गया है। फरमानी नाज का ये गाना इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इस गाने को गाने वाली सिंगर फरमानी नाज खुद एक मुस्लिम लड़की है। ये वही फरमानी नाज है जो कुछ दिन पहले हर हर शंभू गाना गाया था तो कई मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन फरमानी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री सनातन और हिंदू देश की बात करते हैं और पूरे देश में हिंदुवादी विचारधारा के लिए लोग बाबा धीरेंद्र शास्त्री के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम ने जो करतूत की है उसके बाद से धीरेंद्र शास्त्री सदमे में हैं और अपने परिवार के लोगों से न मिल रहे हैं और ना ही अपने घर जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भाई की वजह से पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल उठाना लाजमी है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।